नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अति भाग्यशाली साइन बताने वाली हूँ। टू द पॉइंट बात करेंगे हम लोग, फाइव ऐसे साइन जो कि अति भाग्यशाली हो। देखिए, फाइव साइन अति भाग्यशाली। सबसे पहला देखिए, ग्रहों में राजा सूर्य को बोला जाता है ना, सूर्य को ग्रहों का राजा बोला जाता है। अगर आपसे राजा खुश हैं तो बाकी सब चीज तो खुश हो ही जाएगा। तो आपको राजा क्या दे सकते हैं? बहुत अच्छे पोस्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छे मान सम्मान दे सकते हैं, आपको सम्मानित किया जा सकता है, आपको राज्य सम्मान मिल सकता है, आपको देश सम्मान मिल सकता है ना, बहुत कुछ हो सकती है पॉजिटिव वे में। तो सबसे पहले अगर आपको अपने हाथ के सूर्य को माउंट को चेक करना है, माउंट हमेशा उभरा हुआ शुभ माना जाता है, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अगर आपके हाथ का पाम का माउंट उभरा हुआ हो, सूर्य माउंट जो कि यहाँ पे होता है ये एरिया, ये माउंट यदि आपका उभरा हुआ हो तो काफी शुभ संकेत है ये। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए, आपका जो हाथ है, आप जो बहुत ही भाग्यशाली हो। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको देखना है इस प्रकार से, हथेली करना है, ये माउंट को चेक करना है। अगर माउंट उभरा हुआ है दी बेस्ट। अब देखिए, अगर आपको ये माउंट उभरा हुआ दिखे तो इसका मतलब, इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट यही होगा कि बहुत ही कम मेहनत में आप लोगों को जितनी बड़ी सफलता आप चाहते हैं उतनी बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी, और लोगों के मुकाबले जिसका उभरा हुआ ना हो। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है, ये उभार जो है ना निर्दोष होनी चाहिए। अब यहाँ पे दोष कैसे उत्पन्न हो सकता है, पहले मैं पॉजिटिव बताती हूँ। सूर्य माउंट को, सूर्य माउंट को आप जब देखेंगे तो एक तो माउंट उभरा होना चाहिए, उसमें से एक लाइन खड़ी हो, भले ये लाइन छोटी ही क्यों ना हो, काफी शुभ बोली जाती है, नहीं चाहिए लंबी लाइन। अगर माउंट उभरा हुआ हो और अगर आपका जैसे भाग्य रेखा अच्छा हो तो ऐसा नहीं कि 45 में जाके ही आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है, जैसे हार्ट लाइन के ऊपर मान लीजिए आपका ये रेखा है, ठीक है, हार्ट लाइन के ऊपर अगर आपकी सूर्य रेखा उभरी हुई माउंट पे सूर्य रेखा है हार्ट लाइन के ऊपर। देखिए, अब हार्ट लाइन के ऊपर को हम लोग एज काउंट करेंगे तो 45 के अराउंड का एज बताएंगे, ठीक है। हार्ट लाइन के नीचे जैसे आएंगे ये 45 से नीचे का एज हो जाएगा। माइंड लाइन के पास आएंगे यहां तक सूर्य रेखा, 33 का एज। उसी प्रकार से जैसे जैसे उद्गम स्थान नीचे रहेगा वैसे वैसे एज कम होती जाएगी। लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यदि मान लीजिए आपकी जो सूर्य रेखा है हार्ट लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि 45 तक आप वेट करो कि 45 का एज होगा तब मेरी सफलता होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता क्या है यहाँ पे, अगर आपके और सारी रेखाएं पॉजिटिव हैं तो आपको मिलेगा, सक्सेस मिलना है। लेकिन 45 के बाद जो आप अभी हो उसमें 4 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से तरक्की होगा, नेम फेम रिस्पेक्ट पैसे में तरक्की हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग अति भाग्यशाली साइन बोलते हैं। सूर्य माउंट उभरी हुई, सूर्य माउंट पे एक सिंगल लाइन भी अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक को बहुत ज्यादा मान सम्मान समाज में मिलता है, रिस्पेक्टफुल लाइफ ऐसे लोग जीते हैं। और देखिए, पहचान जितनी रेखाएं लंबी हो, ये मैं बोल रही हूँ आपकी छोटी रेखा भी शुभ मानी गई है, ठीक है। अगर सपोज लंबी रेखा हो तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत जल्दी बहुत आसानी से पहचान मिल जाएगी, है ना। जहां मतलब आप जाएंगे नेम फेम पहचान बहुत जल्दी अच्छे से मिल जाएगी। ऐसे लोगों को जगह जगह सम्मान मिलते हैं, बहुत ही अच्छे रिस्पेक्ट मिलते हैं समाज में, परिवार में, हर जगह। तो सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ग्रहों में राजा बोला जाता है। और ऐसे जातक ऐसे भी कहते हैं ना, बाय बॉर्न लीडर होते हैं, बाय बॉर्न ये लोग किंग होते हैं। तो ये बहुत शुभ साइन होता है, एक सूर्य रेखा, ठीक है, सूर्य माउंट। अब देखिए, एक जो लाइन है शायद इसके बारे में मैंने नहीं बताया है, दूसरा जो शुभ साइन है, बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं आप इन दोनों फिंगर के बीच में जो है यहाँ पे एक लाइन देखेंगे, इन दोनों फिंगर के बीच में आप यहाँ पे एक लाइन देखेंगे, यहाँ पे इन दोनों फिंगर के बीच में आप यहाँ पे एक लाइन देखेंगे। तो ये लाइन क्या बताता है, देखिए हमारे जो हाथ की जो रेखाएं हैं ना, एक एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज बहुत कुछ बोलती हैं। एक रेखा जो कि आपके गुरु जुपिटर और सैटर्न, शनि है ना, जुपिटर और शनि के बीच में, गुरु और शनि के बीच में ये रेखा हो तो ऐसे जातक बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। अब इसमें क्या पॉजिटिव होगा, ऐसे जातक में बहुत अच्छे समझाने की प्रवृत्ति होगी, बहुत ही ज्यादा लॉयल होंगे। अब देखिए, ये लॉयलिटी समझाने की प्रवृत्ति, आध्यात्मिक होंगे, टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, आध्यात्मिक होंगे, काउंसलर बहुत अच्छे होंगे। अब ये तो गुरु के गुण लिया, जैसे कुंडली में आप ग्रहों का कंजक्शन पढ़ते हैं ना कि सूर्य बुध एक साथ बैठ गया तो क्या रिजल्ट है, उसी प्रकार से पाम में होता है
गुरु और शनि के बीच में अगर कोई लाइन है तो इट मीन्स कि इन दोनों का कंजक्शन बन रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों का कंजक्शन क्या शुभ फल देगा या अशुभ, तो ये दोनों हमेशा शुभ फल देंगे। कैसे फल देंगे? शुभ। गुरु आपके देवताओं के गुरु हैं और शनि जो है न्यायिक देवता बोले जाते हैं, न्याय, तो दोनों एक ही फील्ड के हैं, है ना, डिपार्टमेंट अलग है लेकिन फील्ड दोनों का एक है। एक जज बनेगा बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा आपको गुरु प्रधान जो जज बहुत अच्छे बनेंगे, ये तो जज बन जाएंगे लेकिन क्या जजमेंट सही करेंगे या गलत करेंगे, है ना, क्रिमिनल का साथ देंगे कि ओरिजिनल व्यक्ति जो सच्चा है उसका साथ देंगे, तो वो डिसाइड करेगा आपका शनि। तो दोनों का फील्ड एक ही है ना, तो ये चीज होता है, तो इन दोनों का है। तो ऐसे जातक बहुत ही अच्छे रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे, बहुत अच्छे काउंसलर बनेंगे, बहुत सच्चे होंगे, न्यायिक होंगे, जज बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे एक तरह से प्लानिंग करने वाले। देखिए शनि जो है ना अकेले रहते हैं, शनि प्रधान व्यक्ति को भी देखेंगे समाज से बिल्कुल अलग थलग रहने वाले होते हैं, तो इनकी थिंकिंग जो होती है ना बिल्कुल हटके होती है। और दूसरी चीज क्या होती है ना, ये लोग अकेले जब आप रहोगे ना तो अपने आप को खुद को टाइम देना होता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्च भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्लान भी कर सकते हैं, तो प्लानिंग करने में बहुत अच्छे माहिर होते हैं। तो ये लोग में ये क्वालिटी होती है, ये धार्मिक भी होते हैं आध्यात्मिक होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा धार्मिक अलग चीज होती है, धार्मिकता का मतलब आप किसी एक धर्म को फॉलो करना, आध्यात्मिकता का मतलब होता है एक मानवता को, एक ह्यूमनिटी जो होती है ना उसको पालन करना। तो ये लोग धार्मिक भी होते हैं और आध्यात्मिक होते हैं, ठीक है, ये तो हो गई यहाँ। अब आइए आपके सूर्य और शनि, है ना, सूर्य और शनि के बीच में लाइन हो तो क्या हो। देखिए सूर्य और शनि के बीच में होता है तो क्या होता है, सबसे पहली बात जो है ना, शनि प्रधान व्यक्ति कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं। तो ये व्यक्ति बहुत बड़े होंगे, जैसे सपोज एग्जाम्पल मैंने उनके हाथ में नहीं दिया, जैसे रतन टाटा, ईगो नहीं होता है, घमंड नहीं होता है, शो ऑफ नहीं होता है, लग्जरी के पीछे ज्यादा नहीं भागते हैं, लेकिन उनके पास में उतनी काबिलियत होती है, उनके पास में उतनी टैलेंट होते हैं, उतने ज्यादा गुण होते हैं, फिर भी तो ओरिजिनल रहना, शो ऑफ नहीं का, अब्दुल कलाम आप उदाहरण ले सकते हैं एग्जाम्पल फॉर। तो ये सारे गुण होते हैं और ये लोग बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री, अगर ऐसे लोग जिनका भी ये लाइन हो, अगर ये छोटे मोटे कारोबार करके बैठेंगे तो ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, असफलता ही मिलेगी। लेकिन यही व्यक्ति अगर बड़े इंडस्ट्री खोले, एक ब्रांडिंग में जाए, एक ब्रांड अपना बनाए, तो ये लोगों का बहुत अच्छा चलेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि इन लोगों को हमेशा बड़े लेवल पे काम करना चाहिए, रॉयलिटी पे जाना चाहिए, है ना, ब्रांडिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य आपके नेम फेम का होता है, जब तक आप अपना नेम नहीं ऐड करेंगे तब तक फेम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक नाम देना होता है, एक टैग देना होता है, एक सरनेम देना होता है यहाँ पे, है ना, किसी चीज का। तो ये होता है आपके सूर्य और इसके बीच में, ये बहुत ही लकी साइन है, अगर जिस भी व्यक्ति का हो उन्हें आप पता होगा। सोच बहुत अपर होता है, बहुत उच्च सोच होता है, डाउन टू अर्थ होते हैं, ऐसे जाते घमंड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। उसी प्रकार से आ जाइए आप यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे हो जाए तो क्या होता है। अच्छा एक चीज और होता है, ऐसे जातक में ना सीखने की प्रवृत्ति, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और एक्सपीरियंस के बदौलत ये लोग अपनी लाइफ जीते हैं, और एक्सपीरियंस के बदौलत अपने कारोबार हो गया, अपने रिलेशनशिप्स हो गए, जितनी भी चीजें होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट अपने एक्सपीरियंस के बल पे डालते हैं, तो ये इनका गुण होता है। उसके बाद देखिए बुध और सूर्य, सूर्य और बुध, सूर्य क्या चीज है, आप है, मान सम्मान है, इज्जत है, आत्मा है। बुध क्या है, बिजनेस है, वाणी है, कम्युनिकेशन है, और आपका एक तरह से लर्निंग है। तो ऐसे जातक जिनके भी सूर्य और बुध के बीच में होते, सबसे पहली बात ये लोग खुश मिजाज होते हैं। खुश मिजाज क्यों होते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे प्लेनेट बोले जाते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे जातक, और बुध जो होता है कम्युनिकेशन का होता है, तो कम्युनिकेट करने में माहिर होते हैं, मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व होना, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना, और इन लोगों के पास में बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाता है, इन लोगों का बिजनेस नेम फेम दूर दूर तक फैलता है, जैसे कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह पे सीमित रह जाता है, ठीक है। तो ये ब्रांडिंग जो होते हैं बहुत दूर दूर तक ब्रांड जाता है इन लोगों का, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस कर सकते हैं अगर और सारी रेखाएं की सपोर्ट मिले तो। देखिए हो ही जाता है, अगर आपके हाथ में ये सिंबल है ना तो कुछ ना कुछ अच्छी रेखाएं का सपोर्ट मिल ही रहा है। जिस प्रकार से आपके कुंडली में अच्छे योग हैं तो दशा महादशा अंतरदशा में काम शुरू हो ही जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी होता है। तो ये बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शुभ साइन है दूसरी साइन। अब देखिए तीसरी साइन जो आप देखेंगे, इसको मैंने बता भी रखा है लेकिन फिर भी कुछ नया बात बताती हूँ। देखिए आपके लाइफ लाइन के लास्ट में अगर फिश का सिंबल हो, देखिए लाइफ लाइन के लास्ट में जिस प्रकार से फिश का सिंबल हो, जो कि केतु माउंट
को टच करके बनता हो। शायद मैंने वीनस माउंट के बारे में बताया था, केतु के बारे में नहीं बताया था। तो यहाँ पे इस प्रकार से देखिए लाइफ लाइन क्या बताती है आपके, देखिए लाइफ जो है ना, लाइफ लाइन आपकी लाइफ के स्टाइल को बताती है, आपकी लाइफ में जो कितनी दुर्घटनाएं घटनाएं होने हैं, किस प्रकार से लाइफ होगी। मतलब लाइफ लाइन जो है ना, लाइफ लाइन को आप ये नहीं कह सकते कि ये आपकी आयु सिर्फ बताती है। आयु के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, हालांकि कोई आयु का प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है। बट लाइफ लाइन के लास्ट में अगर फिश का साइन हो, भले इनके लाइफ में कितनी भी उतार चढ़ाव हो, बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एंड जो होता है ना, लाइफ के अंत यानी कि बुढ़ापा जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल संतुष्टि भरा होता है। ये इस धरती से जाते हैं तो एकदम संतुष्ट होके जाते हैं, बस हो गया, सब कुछ पूरा कर लिया लाइफ में। तो लाइफ लाइन के लास्ट में खास करके केतु माउंट पे होना फिश का साइन अपने आप में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसे भी केतु माउंट तो होता ही है पूर्व जन्म का, तो कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म में ही बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो कि इस लाइफ में इनको इतनी अच्छी लाइफ मिली है इस जन्म में, है ना। तो ये काफी ज्यादा शुभ साइन होता है लाइफ लाइन के अंत में। और ऐसे लोगों का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, इन लोगों को कभी भी आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु का काम ही होता है सडन कोई भी चीज, दुर्घटना घटनाएं शुभ अशुभ आपकी लाइफ में सडन होना, ये राहु करता है। और लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है, तो लाइफ लाइन क्या है, और देखिए ना यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आपकी लाइफ क्यों यहाँ पे बोलते हैं, लाइफ जो है यहाँ पे लाइफ लाइन के अंदर में ये अंदरूनी मंगल जो कि आपके एनर्जी को बता रहा है, और शुक्र जो कि कंफर्टेबल लग्जरी को बता रहा है। तो आप फिजिकली रूप से भी फिट हैं और लग्जरी कंफर्ट के साथ जी रहे हैं, तो ये दोनों गुण जो है ना आप में बहुत अच्छा रहेगा। जिसके भी हाथ में इस तरह से होगा तो ये लोग फिजिकली फिट रहेंगे। देखिए अच्छी लाइफ किसको बोलते हैं, अगर आप बीमार हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है तो अच्छी लाइफ है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी लाइफ उसे बोलते हैं कि आप तन से मन से धन से तीनों तरीके से स्वस्थ हैं, तभी जाके आपकी अच्छी लाइफ है। तो इसी लाइफ को ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे केतु पे फिश लाइफ लाइन से जुड़ी हुई, तो ये भी काफी अति भाग्यशाली साइन में ही आता है, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली। आप देखेंगे बहुत लोगों के हाथ में होता है, लेकिन आपको ये गौर करना है, अभी जो भी साइन मैंने बताया है वो निर्दोष होनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से अगर सूर्य आपका अति भाग्यशाली साइन मैंने बताया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्रॉस ना हो, तिल ना हो, द्वीप ना हो, जाल ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे भी सेम चीज वही, तो आपको ये चीज हथेली में कहीं भी तिल अच्छा नहीं बोला गया है, कहीं भी क्रॉस कुछ एक जगह छोड़ के क्रॉस अच्छा नहीं बोला गया है। तीसरा जो साइन होता है, मंगल से सूर्य पे लाइन जाए, ये बहुत ही शुभ साइन होता है। अब आप बोलेंगे कि ये साइन, ये वाला साइन देखिए, बाहरी मंगल से कोई भी रेखा सूर्य पे जाए तो ये बहुत अच्छे सिंबल होते हैं, बहुत शुभ साइन होता है। अब देखिए ये साइन कराता क्या है, ये साइन जस्ट लाइक आपको एक आभूषण के रूप में तैयार करेगा, जैसे सोना पे आप बहुत ज्यादा उस पे पिटते हैं तब जाके एक आभूषण का रूप धारण करता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखदायी होता है। तो ऐसे लोगों को लाइफ में दुख की कोई कमी नहीं होती, संघर्ष जबरदस्त होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनके लाइफ में पूर्व पुण्य रेखा है तो एकदम बैठे बिठाए सब कुछ नहीं, क्योंकि आपको अगर उस तरह बनाना है, चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत बड़ा सम्राट बनाना था तो उसके लिए उनका जो परीक्षा था, जो उनका ट्रेनिंग था, काफी डिफिकल्ट होता है। तो उसी प्रकार से जिन भी जातक के ये होते थे, इनका ट्रेनिंग जो होता है ना काफी टफ होता है, तभी जाके बहुत बड़े पोस्ट मिलते, लेकिन जिस दिन इनका ट्रेनिंग कम्प्लीट होता है ये जबरदस्त सफल होते हैं, सफलता तो इनकी चरम सीमा पे होती है। तो ये साइन जो है ना बहुत ही शुभ होता है। अब इस साइन को लेके ये चीज मत सोचिएगा कि ऐसे जातकों को सडन मिलता, कुछ भी सडन, बहुत संघर्ष के बदौलत मिलता, लेकिन इतिहास भी रचने वाले यही होते हैं। एक कहानी, एक स्टोरी होता है इन लोगों का, देखो क्या था क्या हो गया लाइक इस तरह से। तो ये जो संघर्ष इनका खत्म होता है 45 के अराउंड, है ना, तो ये भी इनका जबरदस्त शुभ साइन है 45 के अराउंड, यानी कि 45 के बाद इनकी लाइफ में जो सफलता मिलती है, फिर ये असफल होने नाम की चीज नहीं होती है। आप देखेंगे कोई लाइफ में एक प्रॉब के बाद जो है ना, लाइफ सडन ग्रोथ ही जाती है, ग्राफ अप ही जाता है, कभी डाउन नहीं जाता है। लेकिन जब आप 45 से पहले इनकी लाइफ का ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल अप्स एंड डाउन रहते हैं। तो ये चीज आपको देखना है। पांचवी जो साइन होती है, क्रॉस, मिस्टीरियस क्रॉस बोलते हैं। अब देखिए इस क्रॉस को लेके बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, सेम देखिए मैं आपको बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि आपके हाथ में, आपके कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है, बहुत बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं। श्री राम के कुंडली में आप देखिए कितने बड़े बड़े राजयोग बन रहे थे, कितने बड़े बड़े राजयोग, उच्च का गुरु, गज केसरी योग, बुद्धादित्य योग, रूचक योग, हर योग बन रहे थे। उनकी लाइफ को आप देखिए, उनके लाइफ में संघर्ष कम नहीं था। तो इससे यही मैं मतलब आपको बताना चाहती हूँ ये उदाहरण को लेके,
कि आपके हाथ में बड़ा सिंबल है, बहुत अच्छा सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं कि बैठे बिठाए आपको सब कुछ मिलेगा। बैठे बिठाए उसी लोग को मिलेगा जिसको लाइफ में कुछ नहीं करना है, बड़ा बिल्कुल नहीं बनना है। तो उनके जो लाइफ में बस एक जो होता है ना नॉर्मल, कहते हैं खाना कपड़ा मकान, है ना, ये तीन चीज मिल गया खुश हैं। लेकिन जिन भी जातक के लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और बड़े बड़े सिंबल हाथ में, आप लोग बोलते भी हैं कि मेरे हाथ में इतने बड़े सिंबल है मैं कुछ नहीं कर रहा, तो आप वेट कीजिए, अपना कर्म करते रहे, बिल्कुल आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि बड़े सिंबल उसी के हाथ में है, शुभ सिंबल भाग्यशाली सिंबल जो है ना उन्हीं के हाथ में आते हैं जिनको भगवान कुछ कराना चाहते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी कमेंट करने से पहले इस चीज को जरूर सोचिएगा कि हाथ में अगर वो सिंबल है तो आपके लाइफ में संघर्ष बहुत है। आप बोलेंगे मैं तो मतलब तबाह हो गया हूँ, इतना अच्छे योग है, सब कुछ है, फिर भी इतनी ज्यादा परेशानी आ रही है। तो परेशानी आ रही है आपको कुछ बनाने के लिए, ठीक है। हर एक व्यक्ति का आप देख इतिहास पलट के देख लीजिए, जिनके भी लाइफ में संघर्ष है उनकी लाइफ में उतनी बड़ी सफलता है। तो यही चीज होता है, मिस्टीरियस क्रॉस वाले व्यक्ति को भी उसी प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इन लोगों के पीछे हमेशा ईश्वर का कृपा रहता है, हमेशा ईश्वर लगे हुए रहते हैं, ईश्वरीय कृपा है, रहस्यमयी क्रॉस बोलते हैं इन लोगों को। खास करके 40 तक के लाइफ जो होता है ना वहां से प्रोग्रेस शुरू होता है, ठीक है। उससे पहले बहुत ज्यादा संघर्ष होता है लाइफ में, इनके साथ के सब जॉब करते हैं, ये बैठे रहते हैं, इस तरह से बहुत तरीके से ये लोग टॉर्चर होते हैं, लेकिन फिर सफलता इन लोगों को बहुत बड़ी वाली मिलती ही मिलती है। तो ये ईश्वरीय कृपा भी होता है इन लोगों को, इन लोगों का सबसे बड़ा जो इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का भी। तो ये होता है अति भाग्यशाली, 5 ऐसे साइन जो कि मैंने बताए हैं आपको, आपके हाथ में है, देखिए जरूर सफलता मिलेगी, बस थोड़ा पेशेंस की जरूरत है आपको। जैसे मैंने उदाहरण भी दिया, श्री राम के कुंडली में ना कोई आसान नहीं था, कृष्ण के कुंडली उन्होंने तो जन्म लिया था जेल में। तो हर लाइफ में जिनको भी इतिहास रचना होता है ना, जिनको एक युगो युगो तक याद रखा जाता है, ऐसे लोग आप देख लीजिए इतिहास में, तो संघर्ष रहेगा ही रहेगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आपके हाथ में अति भाग्यशाली साइन है तो बैठे बिठाए सब कुछ मिलेगा, बैठे बिठाए नहीं मिलता, बैठे बिठाए उसी को मिलता है इसको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इसी जन्म तक उसको याद, उसके परिवार वाला रखें, बस यही काफी है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। कुछ रेमेडीज मैं बताती हूँ, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ इंस्टा पे रेमेडीज, ठीक है। तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।